तो लेक उड़ा रहे थे अपना ड्रोन, पता नहीं कैसे क्रैश हो गया, उड़ रहा था सडनली क्रैश हो गया, पानी में गिर गया था। Good morning everyone from Pangong. Welcome to my YouTube channel Rolling Peace. Sunlight दिख रही है finally. अभी बच चुके हैं 11. हरियाणवी और सिलीगुड़ी के राइडर्स आज निकलने वाले हैं. वैभव और पूरन का अभी तक कोई पता नहीं है. ये लोग जाने वाले हैं तो आज फिर थोड़ा कल्ला कल्ला फील होने लगा है. But it's a part of riding life. मिलते हैं बिछड़ते हैं. लेकिन ये हरियाणवी और सिलीगुड़ी के राइडर्स के साथ फ्रेंडशिप बॉन्डिंग जो बन गया है, थोड़ा बुरा लग रहा है कि आज वो लोग जा रहे हैं. बट इट्स ओके. और हाँ, कल हम लोग यहाँ पे रुके थे. ये होम स्टे है एंड इट बिलोंग्स टू देम, दैट आंटी एंड दैट अंकल. वो लोग वहाँ पे रहते हैं और हमें ये होम स्टे ऑफर किया था. ओनली $450 पर पर्सन विद डिनर. लुक एट द स्पेक्टेक्युलर व्यू मैन. एंड अभी सब लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए गए हैं. मैं भी वहाँ पे जाता हूँ. कैसे हो आंटी जुले? गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. हाय गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. सुप्रभात. मॉर्निंग. जुले. 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 भाई क्या है नाश्ते में? नाश्ते में अपने रोटी, ऑमलेट, मिक्स वेज की सब्जी, चाय. हल्की हल्की सी रिमझिम सी बारिश हो रही है. क्या छोड़ो, क्या नाम है तेरा? उंगियाल दोरजे. गुड नेम. अच्छा नाम है आपका. जुले. ये बहुत नसीब वाला है. यहाँ से पूरा मिल्की वे दिखता है. नुब्रा में भी दिख रहा था, यहाँ पे भी दिख रहा था. रात को हम 4 से 4:30 बजे तक सोए थे. एंड एवरीबॉडी इज पैकिंग अप द स्टफ. एंड मेरा बाइक खाली है आज क्योंकि मैं यहाँ पे स्टे करने वाला हूँ. ये लोग सब निकलने वाले हैं. पहले यहाँ पे घूमते हैं 1-2 घंटे, फिर वो लोग को अलविदा कहेंगे. एंड देन पूरन और वैभव को भी आज ढूंढना है. लेट्स सी मिलते हैं कि नहीं. जी सर. रेडी. ऑल सेट. सो अलादीन को अपना कालीन उड़ाना था तो उसको बाइक पे, तो उसको मैंने अपना बाइक दिया है स्टील ब्लैक, अपना ब्लैक स्टेलियन. मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा. गौरव मेरा बाइक चल लेगा. उसको चलाना था कल स्टील ब्लैक. जाने दो भाई. चलो जी. ओके. अगर उनको अगर हम अकेले यहाँ छोड़ के जाते तो गोलियर गोगी. थैंक यू. गोलियर गोगी मिल गए. मिल गए मेरे भाई. चलो यार टप्पू भाई, शादी वाली बात याद रखना. थैंक यू बाबा. नेक्स्ट ईयर भूटान का प्लान करेंगे पक्का पक्का. हम ग्रुप बनाएंगे एक, आपको ऐड करेंगे अपना अलादीन. थैंक यू सर. अपने हेमू सर. वेरी वेरी नाइस टू मीट यू सर. इट वाज अ प्लेजर. फ्रेंड फॉर लाइफ टाइम. ठीक है ना. स्टे इन टच. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. हैप्पी जर्नी. सेफ ड्राइव. चलो ओके भाई. टप्पू बाबा अब गुजरात में मिलेंगे. गुजरात आना है भाई सबको. गुजरात आना है. गुजरात आना है. गुजरात. पहले दो बंदे छूटे मेरे, 6 मिल गए. बाद में ये 6 बिछड़े वापस. अपने दो पुराने वापस मिल गए. आज अच्छा लग रहा है. लेट्स सी. देखते हैं अभी क्या करते हैं. अपडेट देता हूँ आपको. तो ब्रो फाइनली मेरे दोनों ब्रो मिल गए हैं. मिलके 2 घंटे तो हम लोग लड़े ही है. तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया, तुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने ऐसा किया था, मैंने तो वैसा किया था. लेकिन चलता है यार, होता है, चलता है. लुक एट द स्पेक्टेक्युलर व्यू मैन.
जाओ जी अभी कुछ ऑफ रोडिंग करते हैं करते हैं। यहाँ पे थोड़ा फोटोस और ड्रोन शॉट्स के लिए आए हम लोग और वेदर देख लो यहाँ का यार। तो ऐसी कुछ हालत है। ये एक छत अच्छा मिल गया हम लोगों को। बारिश बंद होगी तो हम लोग जाते हैं होम स्टे पे, इन लोगों को चेक इन करवाता हूँ वहाँ पे एंड बाद में यहाँ पे ड्रोन शॉट्स लेने के लिए आता हूँ। ठीक है भाई? ठीक है, डन डन। बारिश बंद होते ही आते हैं भाई वापस, फोटो वोटो खींचते हैं। अच्छा कपड़ा वपड़ा भी बदल देते हैं, चार पाँच दिन से वही कपड़े पहन रहे हैं। कल का क्या प्लान है वो व्लॉग के एंड में बताऊंगा। अभी इस व्लॉग में फिलहाल पेंगोंग का पूरा डिटेल दूंगा मैं आपको, अभी मतलब बारिश खत्म होने के बाद, अभी नहीं। A few moments later. वेदर ज़्यादा ख़राब होने वाला है, होम स्टे पर निकल जाते हैं। अगर नसीब में लिखा है तो वापस आने पे मिल जाएगा ड्रोन शॉट और वेदर थोड़ा क्लियर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का वेदर आधे आधे घंटे में बदलता है। अभी जब हम लोग रूम से निकले थे तब लिटरली सनलाइट से गर्मी लग रहा था, अभी थंडर स्टॉर्म की वजह से पूरा ठंड में ठिठुर रहे हम लोग। हो कल रात को मैं यहीं पर ही रुका था। ये वॉशरूम और ये, मुझे नीचे सोना पसंद है तो मैं यहाँ पे सोया हुआ था। और विंडो खोलते ही व्यू देखो आप, तो व्यू दिखाता हूँ इसीलिए मैं ये रूम में रुका हूँ। इट्स 6 PM एंड हम लोग आए थे तब काफ़ी तूफान जैसा माहौल था बाहर, सो हम लोग रूम में आके काफ़ी कोजी फील कर रहे थे एंड अभी लेक के पास जाते हैं। आई गेस समवेयर ओवर देयर 3 Idiots का शूटिंग वहाँ पे हुआ था, मिलते हैं वहाँ पे। कैसे क्रैश हो गया, उड़ रहा था सडनली क्रैश हो गया, पानी में गिर गया था। लेट से क्या होता है, आई होप कुछ ज़्यादा नुकसान ना हुआ। जैसे ही क्रैश हुआ था तुरंत ही बैटरी निकाल दी है, बैड लग के पानी में गिरा, लेकिन गुड लक ये था कि यहाँ पे ही गिरा, खुल गया ये। एज यू कैन सी बैटरी भी बंद नहीं हो रहा है, इसको डबल टैप करते हैं तो बंद हो जाना चाहिए, ये छोड़ेंगे फिर चालू हो जाएगा। तो गाइस ड्रोन क्रैश हो गया था इसलिए बैक कैमरा से ही बात करूंगा, अभी मैं मूड नहीं है सॉरी गाइस। बट क्या करते हैं यार, एक पर एक मुसीबत ही आती है। कल ये दोनों हो गए थे, ये मिले तो ड्रोन गया, पता नहीं क्या हो रहा है। वेल आईफोन का डिस्प्ले टूटा, मेरा हाथ टूटा, बाइक का CO2 सेंसर टूटा, साइड स्टैंड का सेंसर टूटा, ड्रोन पानी में गया, बहुत हुआ, घर चले जाना है। अभी इसको हवा में सूखने देते थोड़ी बार। और ये देखो अभी बारिश आने वाली है। A few moments later. Okay, so guys, ये 3 Idiots वाला पॉइंट है। वहाँ से आप आओगे तो पहले कुछ होटल्स मिल जाएंगे आपको, वो थोड़े कॉस्टली होंगे। पेंगोंग लेक की शुरुआत वहीं से होगी एंड देन यहाँ से आके यहाँ पे रास्ता जाएगा, यहाँ पे भी कैंपिंग मिलेगी, आगे जाएगा स्पैंगमिक विलेज जाएगा। स्पैंगमिक विलेज में भी आपको सस्ते में, काफ़ी सस्ते में होम स्टे और टेंट्स मिल सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे शायद महंगे मिलते होंगे। कल जब हमने पूछा था तब 10,000 तक एक टेंट का बताया था 3 या 4 लोगों के लिए। सो हमारे जैसे होम स्टे में रहना है आपको, स्पैंगमिक में जाओ, पता नहीं आपको यहाँ से दिखेगा या नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से आओगे सीधा 7 किलोमीटर आगे है स्पैंगमिक विलेज। दैट्स इट गाइस, अभी बारिश होने वाली है, निकलते हम लोग, पैकअप करते हैं, वरना और कोई मुसीबत आ जाएगी। नहीं यार, बैटरी सही तरह से डाला था, प्रोपेलर्स भी ठीक थे, ड्रोन क्रैश हुआ क्यों? क्यों क्रैश हुआ भैया, क्यों क्रैश हुआ? वाह लुक एट द ब्यूटीफुल प्लेस मैन,
यार फोटो खिंचा लेते हैं, चल दो चार। कोई फोटोग्राफर मिलता है, कोई ट्रैवलर मिलता है, हमारे जैसे राइडर्स मिलते हैं, बहुत एडवेंचरस पीपल मिलते हैं यहाँ पे, मज़ा आ जाता है यार। और हाँ गाइस, इन सब के बीच में ये एक ही छत है जो आपको मिलेगी, बाकी मर जाओ, डूब जाओ, टूट जाओ, कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर ठंड लगती है, बारिश आती है, सीधे टेंट पे दौड़ना पड़ता है, कोई छत है नहीं यहाँ पे। भाई जो फोटो फोन में है ना वो डाल सकते।